नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, दिस इज बबीता। वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद ट्विंस। आज मैं आप लोग संग शेयर करूंगी अलीगढ़ के बहुत ही मशहूर आलू के बरूले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बन जाता है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। इस यूनिक रेसिपी की किसी भी ट्रिक को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए मैं बताती हूँ कैसे बनता है। हमने यहाँ पर छोटे आलू को सबसे पहले अच्छे से धुल करके बॉईल कर लिया है और हमें इसका छिलका नहीं उतारना है, हमें इसे छिलके के साथ ही बनाना है। तो अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। अब हम एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे। बेसन हमारा 100 ग्राम है। इसी कप से हम 1/2 कप चावल का आटा लेंगे। आप चाहे तो इसे यहाँ पर अरारोट का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ हल्दी लिया है, इससे अच्छा कलर आ जाता है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसका एक अच्छा थिक बैटर बनाएंगे। तो हमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका घोल बनाना है, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आप कभी भी अलीगढ़ जाते हैं तो वहाँ के हर स्ट्रीट पर ये आपको फूड देखने को मिलेगा। वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है ये और वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं इसको और ये बहुत आसानी से भी बन जाता है। अब हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया। अब हम इसमें सारे आलू को डाल देंगे और डाल करके अच्छे से कोट कर देंगे। हमें इसे कोट करके 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से ढक करके रख देना है। देखिए, हमें इस तरह से इसे मिला करके रखना है ताकि ये अच्छे से इस पर इसकी कोटिंग हो जाए। अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो हम लिड को खोल करके चेक कर लेते हैं। तो अब आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं। इन्हें हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये आलू बिल्कुल फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम फ्राई कर लेते हैं आलू को। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम स्पून के हेल्प से बरूले को एक एक करके डालेंगे। इस प्रोसेस में हमें गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इसी तरह हमें सारे बरूले को डाल करके फ्राई कर लेना है। देखिए, ये एक साइड से पक गया है। अब हम इसे उलट पलट के अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा बरूले बनकर के तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं। हमारे सारे बरूले फ्राई होकर के तैयार हो गए। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बना है। तो इसे इस तरीके से हमें तोड़ना है। आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं। आप हाथ से अगर भाप लगता है तो आप इसे कटोरियों की मदद से भी तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ कटोरी से भी तोड़ा है और अगर आपके पास मैसर है तो इससे भी अच्छे से आप दबा करके तोड़ सकते हैं। इसी तरह हमें सारे बरूले को तोड़ करके सर्व करना है। देखिए, यहाँ पर हमारे सारे बरूले खाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर इसे फिर से एक बार फ्राई करूँगी ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। और इस वक्त हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। इसे हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, हमें थोड़ी देर में ही इसे पलट करके। देखिए, हमारा एक साइड से सेक गया। अब दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे बरूले बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सारे बरूले को एक एक करके फ्राई कर लेना है।
अब हमारे सारे बरूले बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो गए। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इस ग्रीन चटनी की रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब हम बरूले को कैसे खाते हैं ये बताते हैं आपको। सबसे पहले हम बरूले पर चाट मसाला अच्छे से डालेंगे और उसके ऊपर से हरी धनिया की चटनी। ये बहुत ही चटपटा लगता है और इसे इसी तरीके से खाया जाता है। तो हम एक एक करके सारे बरूले पर चाट मसाला डालेंगे और उस पर से हरी धनिया की चटनी डालेंगे। आपको जितना ज़्यादा चटनी पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी सारी प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी प्लेटिंग होकर के तैयार होगी तो देखने में है ना बहुत टेस्टी। अगर आपको ये अलीगढ़ की फेमस बरूले की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने घर में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड को ज़रूर बना करके खिलाएं। और हमारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।